पर आपको बताते हैं, आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। राष्ट्रपति शासन लगाना संविधान का अपमान है, आम आदमी पार्टी ने कहा है। आम आदमी पार्टी के आरोप पर बीजेपी ने रिएक्शन दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। 17 फरवरी को फ्लोर टेस्ट हुआ है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पे एक ओवरवेलमिंग कॉन्फिडेंस अपने हाउस का एंजॉय करते हैं। ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की एक साजिश है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं, सनसनी फैलाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। मूल समस्या यह है कि दिल्ली सफर कर रही है, दिल्ली के सारे कामकाज बाधित हो रहे हैं, लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता है।